उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के द्वारा ललित कला विभाग की डॉक्टर संध्या पांडे के कुशल निर्देशन में दो दिवसीय कार्यशाला में कलाकारों ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से राम मंदिर एवं विश्वविद्यालय के संस्थापक आजीवन कुलाधिपति जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी को अपनी तूलिका के माध्यम से प्रदर्शित किया। इसमें अयोध्या की स्थापना से लेकर अभी राम मंदिर में मूर्ति स्थापना से लेकर कई छाया चित्रों को बनाया गया है। इसमें 40 कलाकारों ने अपनी सहभागिता प्रदान की है। छाया चित्र बनाए जा रहे हैं बच्चों की, इसमें कहां कहां के बच्चे हैं, किन किन समुदायों के हैं। इसमें ये गुरु जी की कृपा से इसमें किसी भी जातिवाद को किसी भी तरह का महत्व नहीं दिया गया है। सारे जाति धर्म से निविघ्न होके यहाँ पे लोगों ने कार्य किया है। कलाकारों में चाहे मुस्लिम हो चाहे जाति कोई भी हो, हमने केवल कलाकृतियों को महत्व दिया है। कलाकारों ने चाहे कोई भी कास्ट के हो, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कितने बच्चे हैं इस कार्यशाला में? इसमें 40 बच्चों ने सहभागिता प्रदान की है अपनी। लगभग कितनी कलाकृतियाँ हो जाएंगी? जो इसमें कम से कम हम लोग का जो लक्ष्य रखा गया है वो 60 पेंटिंगों का रखा गया है और 60 पेंटिंगें वहाँ पे अयोध्या में प्रदर्शित की जाएंगी। ये बच्चे भी जाएंगे वहाँ? जी, वहाँ पे भव्य रंगोली का भी आयोजन किया गया है जिसमें विकलांग बच्चे वहाँ पे रंगोली में भी बनाएंगे और राम मंदिर के कुछ छाया चित्रों को रंगोली के माध्यम से भी वहाँ पे दर्शाया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।